दोस्तों आज की क्लास में मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे स्पेशल आरपीएफ के लिए। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे जीके के, सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। इसके लिए सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, ये करेक्ट आंसर होगा इसका 1964 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1964 में, ए करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा? मुख्यालय कहाँ पर है? अगर पूछा जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय। ये भी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। आपको बताना है एकला चलो गीत किसने लिखा था? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए एकला चलो गीत किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद चटर्जी। इस प्रकार से ऑप्शन है। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एकला चलो गीत किसने लिखा था ये बताना आपको। फिर से आंसर करिएगा, फिर से आंसर करिए सभी लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था एकला चलो गीत, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कब लिखा था? 1905 में लिखा था। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा कब लिखा था, आप लोग इतना याद रखिएगा एकला चलो गीत किसने लिखा था, तो आप लोग याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बंकिम चंद चटर्जी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। बताइए फिनलैंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फिनलैंड की राजधानी आपको बतानी है तो इसका आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? फिनलैंड की राजधानी आपको बतानी है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हेलसिंकी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नैरोबी कहाँ की राजधानी है? नैरोबी केन्या की राजधानी। आप लोग याद रखिएगा नैरोबी केन्या की राजधानी है। ओटावा कैनेडा की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ये मैंने आपको कई बार बताया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। योग दर्शन के प्रतिपादक आपको बताने हैं कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा।
बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पतंजलि। ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है पतंजलि, करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए फीफा किससे संबंधित है, क्या पूछा गया है, फीफा किससे संबंधित है आपको बताना है। बहुत अच्छे। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं परीक्षा में, फीफा का आयोजन कितने वर्षों में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा चार वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है और ये फुटबॉल से संबंधित है। बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है, फुटबॉल से संबंधित है फीफा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, आपको बताना है एक मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है, आपको बताना है एक मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है, गलफड़ों का, नाक का, मुंह का या फिर आंखों का। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गलफड़ों का, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, एक मछली श्वसन के लिए गलफड़ों का उपयोग करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सरल भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। बताइए लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। बताइए लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा इसका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए। बताइए तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, आपको बताना है तात्या टोपे इनका वास्तविक नाम क्या था, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रामचंद्र पांडुरंग, क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद का नाम था, आप लोग याद रखिएगा अगर पूछा जाए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा नरेंद्र नाथ दत्त। मूल शंकर, दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, ये तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए। बताइए गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद में, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर टेन के लिए, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उपचुनाव कब कराया जाता है, दो साल बाद, तीन साल बाद, पाँच साल बाद या फिर कभी भी, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर टेन के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उपचुनाव कब करवाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, देखिएगा डी करेक्ट आंसर होगा इसका, कभी भी, डी करेक्ट आंसर होगा, उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, इसका कोई टाइम नहीं होता है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, कभी भी करा सकते हैं उपचुनाव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी लोकसभा का चुनाव पाँच साल बाद होता है, विधानसभा का चुनाव भी पाँच साल बाद होता है, जो उपचुनाव होता है वो कभी भी करा सकते हैं, कोई सीट खाली हो गई है तो उसका चुनाव कभी भी कराया जा सकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कभी भी, डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा का जो शून्यकाल है कितने घंटे का होता है, लोकसभा का आपको बताना है शून्यकाल कितने घंटे का होता है, चार घंटे का, तीन घंटे का, एक घंटे का या फिर दो घंटे का,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक घंटे का। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा का शून्यकाल एक घंटे का होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए दीनार कहाँ की करेंसी, आपको बताना है दीनार कहाँ की मुद्रा है, करेंसी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुवैत की। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कुवैत की करेंसी आप लोग याद रखिएगा दीनार, बी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुवैत की राजधानी क्या, अगर पूछा जाए कुवैत की राजधानी क्या है तो आप लोग याद रखिएगा कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, इससे बाहर आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन जीके का नहीं आएगा। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाए उसे भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फारसी। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, फारसी करेक्ट आंसर होगा, मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी है, बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सभी इसका आंसर करिए, बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हेग। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिएगा नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए भारत के किस राज्य में केवल 4 जिले हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम में। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम में केवल 4 जिले हैं, उत्तर सिक्किम, दक्षिण सिक्किम, पूर्व सिक्किम और पश्चिम सिक्किम, तो बी इसका राइट आंसर होगा, सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम भारत का एक राज्य है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और अगर पूछा जाए सिक्किम की राजधानी क्या है तो आप लोग जल्दी से बताइए सिक्किम की राजधानी क्या है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए सिक्किम की राजधानी कैपिटल बतानी है आपको, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। बहुत अच्छे प्रियंका, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है सम्राट, बहुत अच्छे। अभिषेक, ईसु, सौम्या, अवनीश, अंशु, सीमा, कोमल, निक्की, पासवान गर्ल, वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिए, बहुत अच्छे। गंगटोक, आप लोग याद रखिएगा गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, अंशी वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। योगेश, बहुत अच्छे, अब इसका आंसर करिएगा, बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सभी के आंसर गलत हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1992 में, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, 1992 में हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो आप लोग याद रखिएगा नई दिल्ली में, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में मुख्यालय है राष्ट्रीय महिला आयोग का, और गठन हुआ था 1992 में, 1992 में, ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए अल्फांसो किस फल की किस्म है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है जो अल्फांसो है किस फल की किस्म है, आम, सेब, पपीता या फिर अमरूद, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आम, आम की एक किस्म है अल्फांसो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है, इसे आप लोग याद रखिएगा,
अब आम भारत का राष्ट्रीय फल है तो इसका बॉटनिकल नेम भी पूछ सकते हैं परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा मैंगी फेरा इंडिका आम का बॉटनिकल नेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फॉस्फाइड का, क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, सभी इसका आंसर करिए, बताइए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है भारत में, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए या फिर नेपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए में, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यूएसए में है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, यूएसए करेक्ट आंसर होगा इसका, क्या करेक्ट आंसर है, सी इसका राइट आंसर होगा, यूएसए अमेरिका में है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, सबसे पहले 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, क्या पूछा गया है, सबसे पहले 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा इसे किसने दी थी, ये बताना आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेंजामिन डिजराइली ने, क्या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इसका बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा सबसे पहले किसने दी थी, तब ए करेक्ट आंसर होगा, बेंजामिन डिजराइली ने, ए करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, अश्वघोष किसके दरबार में थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है अश्वघोष किसके दरबार में थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, कनिष्क के दरबार में, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में थे अश्वघोष। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, बुद्ध चरित के लेखक कौन है, अगर पूछा जाए बुद्ध चरित को किसने लिखा है, तो आप लोग याद रखिएगा अश्वघोष ने बुद्ध चरित को लिखा है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए निम्न में से भारत का पहला हरित बंदरगाह कौन सा है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए भारत का पहला हरित बंदरगाह कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है पूछ सकते हैं, वेस्ट बंगाल में, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, और ये भारत का पहला हरित बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1919 में, या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, यह आपको बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 मिनट 16 सेकंड, कितना समय लेता है, 8 मिनट 16 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, आपको बताना है वंशा गति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, वंशा गति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा, अनुवांशिकी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना कब शुरू की गई थी, सभी इसका आंसर करिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, इस योजना को केंद्र सरकार ने शुरू किया है, कब शुरू किया था, 1 फरवरी 2019 में, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर है, 1 फरवरी 2019 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 2019 में शुरू किया गया था, बी राइट आंसर होगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, आपको बताना है मृतकों का टीला किसे कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहन जोदड़ो को। क्या करेक्ट आंसर होगा, बीस का राइट आंसर होगा मोहन जोदड़ो को, मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा परीक्षा में, ये वर्तमान में कहाँ पर है। अगर पूछा जाए मोहन जोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान के किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। अब पूछा जाएगा किस जिला में है, तो आप लोग याद रखिएगा लरकाना जिला में है। जिला भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, किस जिले में है, तो आप लोग याद रखिएगा लरकाना जिले में, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड, और ये डेनमार्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। डी करेक्ट आंसर होगा 1897 में। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1897 में स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण गुरु थे उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। सी करेक्ट आंसर होगा अगम सूत्र। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अगम सूत्र कहा जाता है महावीर की शिक्षाओं के संकलन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइएगा हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा, हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। आपको बताना है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर या फिर एपिकल्चर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एपिकल्चर। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, एपिकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत में पहली बार नोटा कब लागू हुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, वोटिंग में नोटा कब लागू हुआ भारत में पहली बार। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2004 में, 2010 में, 2013 में या फिर 2015 में। सभी इसका आंसर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2013 में। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, भारत में नोटा 2013 से लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है 2013। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्लैक शर्ट आंदोलन जैसे फासीवाद भी कहा जाता है। आपको बताना है इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी, इटली में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, ये बताना है आपको। तो सभी इसका आंसर करिएगा। अगर पूछा जाए ब्लैक शर्ट आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, इसे फासीवाद भी कहा जाता है, शुरुआत कहाँ पर हुई थी, जगह भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा जगह पूछी जाए इटली में हुई थी, किसने शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेनिटो मुसोलिनी ने। किसने शुरुआत की थी, बेनिटो मुसोलिनी ने। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी की कमी से मसूड़े में खून आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाई जाती है, अम्लीय होती है। विटामिन सी का केमिकल नेम पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड,
विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1931 में, अध्यक्षता किसने की थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, आपको बताना है गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, कई बार मैंने आपको बताया श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, भगवान विष्णु। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, भगवान विष्णु गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, बताइए सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ पर होता है भारत में, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिएगा, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है, आपको बताना है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों का ग्रंथ है त्रिपिटक। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए प्रेम बाटका किताब को किसने लिखा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रसखान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रसखान ने प्रेम बाटका पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 41 है ये क्वेश्चन नंबर, आपको बताना है मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रेम बाटका पुस्तक रसखान ने लिखी है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, आपको बताना है चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है, कई बार बताया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है। सी करेक्ट आंसर होगा, सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा, बताइए निम्न में से क्या समवर्ती सूची का विषय नहीं है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, इसमें से क्या समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, यस, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें समवर्ती सूची का विषय नहीं है बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक स्वास्थ्य। डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं लोक स्वास्थ्य किस सूची का विषय है, तो आप लोग याद रखिएगा स्टेट लिस्ट। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, डी करेक्ट आंसर होगा। यस, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, डी करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित था? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, और ये तीन पुस्तकों में विभाजित था, बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? आप लोग याद रखिएगा ए के गोपालन, कौन थे? ए के गोपालन लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, आपको बताना है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, 4 वर्षों का, या फिर ननवधि? विधान परिषद पूछा गया है, अगर पूछा जाता विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 5 वर्षों का होता है। किसका? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 वर्षों का, बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, 6 ईयर्स का होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बताइए भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? आपको बताना है भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? वर्तमान में अगर पूछा जाए भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, और पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, इसके साथ ही ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी इसका आंसर करिएगा, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सी करेक्ट आंसर होगा, 25 वर्ष, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? इसका राइट आंसर क्या होगा, लौह अयस्क क्षेत्र, बताइए इसमें कौन भारत का प्रमुख है? 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए। डी करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा झारखंड क्षेत्र, यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ओडिशा झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, मांसपेशियों में ऐंठन किसके कारण होता है? ये आपको बताना है, मांसपेशियां थका हुआ महसूस किसकी वजह से करती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जमा हो जाता है, इसीलिए थकान महसूस करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, वेनेजुएला की राजधानी बताइएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 है। इसका राइट आंसर क्या होगा, वेनेजुएला कैपिटल बताइए, डी करेक्ट आंसर होगा, काराकस, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए,
पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, केंद्र राज संबंध में विवाद का एक कारण है किसका पद? केंद्र राज संबंध में विवाद का एक कारण रहता है राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद या फिर मुख्यमंत्री का पद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यपाल का पद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राज्यपाल का पद केंद्र राज संबंध में विवाद का कारण रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गवर्नर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, किस पर केवल लंबवत पड़ती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या फिर भूमध्य रेखा पर? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूमध्य रेखा पर। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर होगा, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर। डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए सुपरनोवा क्या? आपको बताना है सुपरनोवा क्या है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, तारों का विस्फोट या फिर ब्लैक होल? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तारों का विस्फोट। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 1950 में। बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जा सकता है? सभी इसका आंसर करिएगा, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन सभी में, प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा, इन सभी में बदला जा सकता है रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा ऑल। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। शाहनामा किसकी कृति है? तो आप लोग याद रखिएगा, फिरदौसी ने लिखा है इसे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? नेपाल जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एकमात्र देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल। सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन निर्माण करता है, इंसुलिन को पैदा करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नाशय, पैनक्रियास। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, अग्नाशय करेक्ट आंसर होगा इसका।